श्री कंवर सिंह तंवर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। निरहुआ को आजमगढ़ से हराकर संसद पहुंचे धर्मेंद्र यादव की एक बार फिर संसद में आवाज गूंज पड़ी है। मौका था 18वीं लोकसभा के लिए सांसदों के शपथ ग्रहण का। ऐसे में 18वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट से चुने गए जियाउर रहमान बर्क ने उर्दू में शपथ ली। जियाउर रहमान बर्क के उर्दू में शपथ लेने पर अपना दल की चीफ और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने टोका। उन्होंने उर्दू में शपथ लेने की कड़ी आलोचना की। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के उर्दू में शपथ लेने पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह परंपरा नहीं है, इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। अनुप्रिया पटेल के इस बयान के तुरंत बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जोरदार पलटवार किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अनुप्रिया को तमिल, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ में शपथ लेने वाले सदस्यों से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि सपा सांसद ने उर्दू में शपथ ले ली तो उनको दिक्कत हो रही है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब शुरू किया तो सुनना भी सीखो, पहले कान को अच्छा लगा अब क्यों बुरा लग रहा है। धर्मेंद्र यादव और अनुप्रिया पटेल की नोकझोंक का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।